Ah, shit. Here we go again. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन करियर रैंक पुशिंग गेम प्ले। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्लिप देख लो, स्क्वाड टूर्नामेंट का गेम प्ले है BGMI का। और मतलब क्या ही शॉट मारा है तुम्हारे भाई ने कार98 से, देखना अभी। अरे वो फिर है तो यार, ये शॉट कैसे लगा कमेंट में बताना। तो आते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो अपन आ चुके हैं अभी PUBG मोबाइल में, और मैंने न्यू आईडी बनाया रैंक पुशिंग के लिए। तो अपन कर रहे हैं रैंक पुश फ्रॉम ब्रॉन्ज टू कॉन्करर। तो अपना ब्रॉन्ज टायर तो हो गया, ये सिल्वर टायर का गेम प्ले है। तो अभी अपन चलते हैं पोचिंग की सीधा। स्टार्टिंग में अपन रश ही खेलते हैं थोड़ा, ताकि अपना KD वगैरह भी मेंटेन रहे। और ये लॉबी थोड़ा ईजी था, बट आगे जाके थोड़ा अच्छा लॉबी आएगा, जैसे अपन मतलब अपना टायर आया होगा। और हैकर्स का तो पता नहीं, अभी तक तो मिला नहीं मुझे हैकर पबजी मोबाइल में। तो अपन आए थे पोचिंग की में। अब एक बंदा उतरा था अपने जस्ट पीछे साइड, और वो अपने भी पुश नहीं किया, बट बाद में देखना। अभी यहाँ पे गन वगैरह उठाते हैं, और अभी यहाँ पे एक बंदा लेट लैंड करता है, और अभी देखना उसको कैसे मारेंगे। तो अभी एक जस्ट बंदा अभी इधर उतरा, जो कि मेरे बाजू वाले कंपाउंड में था। तो अपन ने UMP लेके कर दिया सीधा उस पर पुश। अब जरा मैं TPP लेके देखा कि इसके पास कोई गन मिला है नहीं, बट इसके पास सिर्फ पिस्तौल था। तो अभी चलते हैं और बंदे मारने के लिए, क्योंकि और बंदे आए हुए थे पोचिंग की में। तो अब यहाँ पे अभी एक बॉट का किल मिल गया। अभी सामने की साइड से आ गया था एक बंदे का साउंड ट्रिपल स्टोरी में से, और लेफ्ट साइड में भी बंदा था। तो पहले तो इस पर नेड करते हैं सामने ट्रिपल स्टोरी पे। तो अब इसको थोड़ा सा डैमेज तो हुआ रहेगा, तो मैंने सीधा कर दिया इस पर पुश। अब इसको यहाँ पे मार देते हैं, इसके इसमें स्कोप वगैरह मिल गया। अब यहाँ पे और एक बंदा आके रुका हुआ था, जो अपने पे थर्ड पार्टी कर रहा था, जो ये घर है ना इसी के छत पे था एक बंदा। तो अब यहाँ पे मेरे को रेंगने का साउंड आया किसी का। तो ये बंदे का नाम OP बोलते नाम था, तो ये पता नहीं इंडिया का था या कहाँ से था, बट अभी इसमें मतलब थोड़े से बंदे इंडिया के भी है। तो अब यहाँ पे और एक बॉट आया, और जैसे मैं अभी जा रहा था, मैं सोचा कि गाड़ी लेके निकलते, तभी यहाँ पे चल गया था एक फ्लेयर जस्ट पोचिंग के में, ये सामने वाले घरों पे। तो ड्रॉप भी आ चुका था, तो अब मेरे को आइडिया नहीं था कि बंदा किधर है, तो मैं थोड़ा वेट किया। तो अभी बंदा आया नहीं ड्रॉप लूटने, तो मैं सोचा भाई बंदा कहाँ होगा, उसको मेरा साउंड तो आ गया रहेगा। तो मैंने जस्ट एक रैंडम नेड किया कि जहाँ पे वो बंदा TPP ले सकता है मेरे पे, और गाइस बूम गाइस फूट गया ये। तो जैसे एक रैंडम नेड था, मेरे को उसका लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं था। वो मेरे को शायद से रिपोर्ट मारेगा या क्या करेगा पता नहीं, बट अभी चलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके सीधा। मतलब मैं जा रहा था वैसे ही, मेरे को लगा पोचिंग के अभी तो पूरा क्लियर है, कोई नहीं रहेगा, बट तभी रहता है एक बंदा जो कि अपने को बॉट फायर करता है। तो ये इधर कूपर थी किसी का, तो अब मैं जा रहा था, अब देखना पीछे से आएगा शॉट। अब मेरे को पता था कि ये बंदा ही हो सकता है, क्योंकि बॉट रहता तो भाई ऐसा फायर नहीं करता था जब मैं निकल रहा था तभी। तो अभी देखना इसके साथ कैसे फाइट करते हैं।
तो यहाँ पे भी इसको मानने के बाद फाइनली अनुबिस नाम था इसका, तो फाइनली पोचिंग क्यों हो गया था क्लियर। अब मैं यहाँ पे आ गया था मिलिट्री का जोन था, तो गाड़ी चेंज किया और तभी मैं उस साइड देखा तो वो घर पे दिखा मेरे को एक बंदा जो कि अपने पे फायर भी लेता है। अब देखना यहाँ पे दो बंदे थे एक्चुअली, अभी देखना इनको कैसे मारते हैं। अब ये सामने घर वाला बंदा तो पिक कर ही नहीं रहा था तो मैंने सीधा पुश कर दिया इस पर। यहाँ पे अपने हो चुके थे 10 किल, तो अभी लॉबी थोड़ा इजी है गाइस, उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो मैं गया था मिलिट्री में क्योंकि जोन उधर था। अभी यहाँ पे एक बंदा आया था गाड़ी से, अब देखना यहाँ पे ऊपर यहाँ से एक शॉट आया था तो यहाँ पे ऊपर रहता है बंदा जो कि अपने को दिख गया था टीवी भी से। अब ये बंदा आया है नहीं और ऊपर ही नेट से फूट गया, तो ब्रिज पे चलते अपन ब्रिज कैंप करने के सोचा मैं, बट ऑलरेडी ब्रिज कैंप हो रखा था आगे की साइड में और अपने पास थी AWM विद ATX, सामने वाले के पास भी AWM विद ATX था। दो बंदे थे एक्चुअली सामने, एक जो नीचे था ब्रिज के और एक ऊपर चढ़ा हुआ था। तो ये जो ऊपर AWM चल रहा था ना उसने किसी को तो मार दिया, अभी वो आ रहा था ओपन से। तो अभी बस थोड़े ही बंदे बचे थे, अब यहाँ पे गाड़ी था तो मैं सोचा इधर भी बंदा होगा। और इसमें सब बंदे भाई कैंप ही कर रहे थे ऊपर की साइड में, मतलब ऐसा जो घर है ना उसके ऊपर ही सब कैंप कर रहे थे मोस्टली। मतलब भाई लिटरली बंदे को कुछ लेना देना नहीं है, वो चीज़ सीधा आके चला गया ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सब स्नेक ही लेटे हुए थे और अभी एक ही लास्ट बंदा बचा था और मेरे को उसका लोकेशन नहीं पता था तो मेरे को लगा कि सामने की साइड ही होगा कहीं पे, तो अभी देखना उसको भी मारते इजीली। तो अपने यहाँ पे हो चुका है चिकन और जब तक अभी एस टायर नहीं होता मेरा तब तक थोड़ा ऐसा ही लॉबी आएगा, बट ये लॉबी बेहतर है यार, मतलब हैकर्स से खेलने के साथ तो भाई ये लॉबी तो अच्छा ही है क्योंकि इसमें हैकर्स तो अभी तक तो नहीं मिले मेरे को। और तो अभी मैं टूर्नामेंट में ही खेल रहा हूँ, मतलब BGMI का कस्टम से खेल रहा हूँ और उसमें अगर चिकन हुआ तो वो भी वीडियोज़ डालेंगे, OP होगा वो वाला भी गेम प्ले। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।